फाइनली वी रीच मरीना बीच चेन्नई। ओह माय गॉड व्हाट अ हैपनिंग प्लेस, टू मच क्राउडेड। सिक्योरिटी पूरी है, चेन्नई पुलिस आपकी सेवा में हाजिर है। और यहाँ पे तो इतना रौनक, इतना अच्छा माहौल, इतना अच्छा वेदर। ओ लवली, ओवर क्राउडेड होने के बावजूद भी यहाँ आपको बहुत मज़ा आएगा। बच्चों के लिए बड़ा अच्छा एंटरटेनमेंट प्लेस, खिलौने, पूरी मार्केट बनी हुई है। दिस इज़ द एंट्री ऑफ द बीच एरिया। तो काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पे, डिफरेंट आइटम्स सेल हो रही हैं, उनके काउंटर्स लगे हैं, गन्ने का रस, की रिंग्स, फूड आइटम्स। और ये आप नीचे देखोगे तो बीच का एरिया शुरू हो गया, यहाँ पे रेत है, मार्केट पूरी बनी हुई है। यहाँ एंट्री पे इन्होंने मार्केट बनाई है और उसके बाद पूरा लंबा एरिया, एक 750-800 मीटर का एरिया है, जिसके बाद आपको बीच दिखना शुरू हो जाएगा। रेत तो यहाँ पे ही है, बट ये कुछ एक ऐसा एरिया है जहाँ पे जो थोड़ा सा बीच से ऊपर है। नाउ आई एम एंटरिंग इन बिटवीन। तो वो पीछे आप देख रहे हो, वहाँ पे बीच शुरू हो जाती है, ये सारी की सारी मार्केट बनी हुई है। तो ये एक हैपनिंग प्लेस है। सामने मैं देख रहा हूँ भटूरे छोले बन रहे हैं, रेत में मेरे को चलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो ये दिस इज़ कॉल्ड मरीना बीच चेन्नई। थोड़ा क्लीनिंग को लेके मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे बीच पे, पॉलीथीन्स बॉटल्स लोगों ने फेंकी हुई हैं, बट समहाउ इट्स अ पार्ट ऑफ थोड़ा सा। तो शाम का मौसम, लवली वेदर, बच्चों के झूले बच्चों के झूले और बीच का किनारा, वाह क्या नज़ारा, क्या नज़ारा, क्या नज़ारा। Evening friends, it's another super amazing experience in Chennai. मैं अभी हूँ मरीना बीच पे। मरीना बीच इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट बीच इन द वर्ल्ड। रूरल एरिया की बात कर जितना भी, ये 6 किलोमीटर लंबा बीच है जो आप देखोगे जहाँ तक आपकी नज़र जाती है, ये फैला हुआ है रफली 6 किलोमीटर्स ऑन द फ्रंट। चेन्नई का ये फेमस प्लेस, तमिलनाडु को फेमस करने वाला, इंडिया को फेमस करने वाला प्लेस मरीना बीच, वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन इन द वर्ल्ड। तो बहुत ही बढ़िया प्लेस है, ओवर क्राउडेड डेफिनेटली है क्योंकि लेंथ इसकी बहुत लंबी है। आप देख रहे होंगे विंड प्रेशर इज़ हाई, अभी मेरी वॉइस भी क्लियर नहीं आ रही होगी, तो हवा बहुत तेज चल रही है। ऑसम वेदर, थोड़ा क्लीननेस को लेके डेफिनेटली हल्का सा इशू है, बट समहाउ जब टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और लॉन्गेस्ट एरिया ऑन द बीच है तो मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बट इट्स अ अमेजिंग एक्सपीरियंस। आप फैमिली के साथ यहाँ पे ज़रूर आएं, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। आई एम ऑल दो कम फ्रॉम अ चंडीगढ़,
तो चेन्नई का ये ब्यूटीफुल प्लेस देखने को सौभाग्य प्राप्त हुआ। अमेजिंग, और सबको यहाँ पे आना चाहिए। आई बीन टू सो मैनी प्लेसेस। मैंने ऑस्ट्रेलिया में सिडनी का बाउंड्री बीच भी देखा है, अभी श्रीलंका की विजिट करके आया हूँ, कोलंबो में बीचेस देखे हैं, पर्सनल बीचेस भी देखे हैं जो प्रॉपर्टीज़ के अंदर हैं, बट दिस इज़ द वन ऑफ डिफरेंट एंड अमेजिंग प्लेस इन इंडिया। तो आपको फैमिली के साथ यहाँ पे ज़रूर विज़िट करना चाहिए। तो फॉलो मी फॉर मोर वीडियोज़।